कल हम लोग ने चैप्टर एक किया था सोप जी खुशी, वो समझा दिया था मैंने आप लोग को कल। तो चले आज उसके बाद सवाल जवाब हैं, ज्यादा नहीं सिर्फ 3 सवाल जवाब, तो उनको तो नजर मार देते थोड़ी सी और देख लेते हमने। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मैं पहले मुख में से पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग को भी आसानी हो। पहला सवाल है, कौन पाकिस्तान जी पाकिस्तान के कौमी कौमी रान कड़ी आए, ये सवाल लिखा हुआ है, पाकिस्तान जी कौमी रान कड़ी आए, यानी पाकिस्तान की जो नेशनल खेल है, जो हमारा या कौमी यानी कौमी खेल है, कौन सा है? पाकिस्तान जी कौमी रान हॉकी आए, पाकिस्तान की कौम का सॉरी पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा सवाल है, इसमें पहले मुख से पढ़ देता हूँ, एहसान जहत में छा जो झंडो, तो यहाँ पर भी देख लीजिए, एहसान जहत में छा जो झंडो, यानी एहसान के हाथ में किसका झंडा था, यानी कौन सा झंडा था? तो उसका जवाब है, एहसान के हाथ में पाकिस्तान जो झंडो, एहसान के हाथ में पाकिस्तान का झंडा था। तीसरा सवाल है इसका, खटंडा टीम के 4 दिनों बिंदु आए, जीतने वाली टीम को क्या दिया जाता है? खटंडा टीम के बिल्ला दिना बिंदा आए, जो बिल्ला का मैंने मतलब कल बताया था कि मेडल को बिल्ला बोलते हैं सिंधी में। सही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो आप समझ लो शायद बिल्ली वाला नहीं, ये बिल्ला वो अलग होता है, ये इसे बिल्ला बोला जाता है, इसका मतलब होता है मेडल देना किसी को, यानी जो मेडल होता है उसको सिंधी में बिल्ला बोला होता है, बिल्ला भी बोला जाता है, तो जीतने वाली टीमों को मेडल दिए जाते हैं। तो बेटा इसके 3 सवाल हैं, ये आप लोग कॉपी में अपनी देख लीजिएगा, बाकी इसका जो आगे का काम है वो आगे जाके कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू।